सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश के साथ साथ अरुणाचल में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट कोरोना से फाइट करने के लिए क्या यूनिक इनिशिएटिव्स ले रही है। हमारे यहाँ पर टू प्रॉन्ज स्ट्रेटजी है। पहला तो यह है कि क्योंकि अरुणाचल प्रदेश टोटली लैंड लॉक्ड स्टेट है और वी शेयर अबाउट मोर देन 800 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद आसाम, तो जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट हैं, तो जो भी व्यक्ति आसाम से अरुणाचल में आ रहा है, एक तो वहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं और वो स्क्रीनिंग है उस पे किसी भी पैसेंजर को या व्यक्ति को उसका कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ रहा, वो स्टेट गवर्नमेंट अपना कर रही है। और उसमें जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट है और यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए सिम्टम्स वगैरह है उसको, तो उस केस में इधर RT-PCR टेस्ट और TrueNet टेस्ट। तो एक तो यह है कि हमारे स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसको एंट्री पॉइंट पर चेक कर लें, और सो दैट यदि मान लीजिएगा कि यदि वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको होम आइसोलेशन पे ले जाएं, यदि सिम्प्टोमेटिक है डिपेंडिंग अपॉन कि मॉडरेट है सीवियर है तो कोविड केयर सेंटर या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ले जाएं। तो एक तो हमारा यानी कि जो स्ट्रेटजी का पहला पार्ट ये है। दूसरा ये पार्ट है कि जहाँ पर भी कोविड केयर के COVID-19 के केसेस मिल रहे हैं विद इन अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पर इंटेंसिव टेस्टिंग की जाए। तो टेस्टिंग करने के पश्चात में यदि उस एरिया में ये पाया जा रहा है कि ज़्यादा व्यक्ति COVID-19 से इन्फेक्टेड हैं, तो उनको फिर आइसोलेट करके और उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। तो जहाँ तक सवाल ट्रीटमेंट का है कि पूरे अरुणाचल के जितने भी हमारे 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें हमने अरेंजमेंट किया है कि कोविड से संबंधित यदि कोई भी मरीज आता है तो उसको एक उचित तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए। और इसमें जैसा कि अभी B.617.2 जो वेरिएंट है, जो कि अरुणाचल में भी पाया गया है, तो उसमें जैसे ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पेशेंट को पड़ती है, तो उसके तहत हमने दो चीज़ें करी हैं कि अरुणाचल में आज की तारीख में 6 जगह पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हुए हैं जो चल रहे हैं, जो पिछले साल हमने लगाए थे जब कोविड यानी कि लास्ट ईयर 2020 में पहली बार इससे सामना हुआ था, तो उस टाइम हमने ये जनरेशन प्लांट लगाए थे। और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर सफिशेंट क्वांटिटी में मीडियम साइज़ के और लार्ज साइज़ के ऑक्सीजन सिलेंडर यानी उपलब्ध कराए गए हैं। इसी के साथ साथ मॉस से एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जनरेट होती है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है कि वो 2 या 4 पेशेंट को एट ए टाइम देते हैं। तो मॉस के भी हमारे पास में इत्तेफाक से सफिशेंट क्वांटिटी में नंबर्स थे। और इसके अलावा जो कंसंट्रेटर हैं, कुछ जो भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं, कुछ राज्य सरकार ने भी अपने खरीदे हैं, तो इस तरीके से कंसंट्रेटर मॉस सिलेंडर्स एंड जनरेटर्स ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमने कोशिश करी है कि पूरे अरुणाचल में ऑक्सीजन से उपलब्धित बेड उपलब्ध करा दिए जाएं। और जहाँ तक सवाल दवाइयों का है, ट्रीटमेंट का है, वो सब भारत सरकार यानी अरुणाचल सरकार ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि आने वाले टाइम में एक तो ये है कि अभी भी वेन वी सी पूरे देश में, तो अरुणाचल में जो केसेस आ रहे हैं दे आर स्टिल लो, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में इसको और कम किया जाए। और जैसे कि कुछ जिलों में हमने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों में जो पॉजिटिविटी रेशो है वो कम हो रही है। एंड इसके अलावा टेली मेडिसन हमने व्यवस्था करी है कि जिसके तहत जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, क्योंकि जो पॉजिटिव केस हैं उनमें आप ये मान के चलिएगा कि करीब 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 7.5% के करीब लोग हॉस्पिटल में हैं या केयर सेंटर में हैं, बाकी जो व्यक्ति हैं वो घरों में हैं। तो घरों के लिए उनको यानी कि प्रॉपरली
गाइड किया जाए तो उसके लिए टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है हॉस्पिटल में, जिससे कि वो कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करें कि पेशेंट अपना देखे कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल क्या है, टेम्परेचर कैसा है, उसके पश्चात उसके ब्रीदिंग जो स्ट्रेंथ है उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, प्लस वो दवाइयाँ जो हैं वो अपना ठीक तरह से ले रहा है नहीं ले रहा है, वो अपनी डाइट्स को प्रॉपरली ले रहा है नहीं ले रहा है। तो ये चार पांच मुख्य विषय हैं जो हम कंट्रोल रूम के द्वारा और टेलीमेडिसिन के द्वारा जितने भी व्यक्ति अभी आज की तारीख में घर पे आइसोलेशन में हैं उनसे हम कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने एक ये भी करा है कि जितने हमारे करीब करीब 100+ पेशेंट जो हॉस्पिटल में है पूरे अरुणाचल प्रदेश में, तो मॉर्निंग में जब डॉक्टर अपने वार्ड का राउंड लेते हैं तो उसके पश्चात हमने 10 बजे एवरीडे एक टेली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डॉक्टर जिसने पेशेंट देखा है और जो हमारे ट्रिम्स के और स्टेट लेवल के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं अलोंग विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, वो आधा घंटे का एक डीब्रीफिंग और ब्रीफिंग सेशन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिएगा कि कोई पेशेंट कोई पिक्यूलियर बिहेवियर हो रहा है या कोई पिक्यूलियर डेवलपमेंट हो रहा है और लोकल डॉक्टर रिमोट एरियाज में उसको नीड सम गाइडेंस और मेंटरिंग, तो वो एक हमने टेली कॉन्फ्रेंसिंग एट एवरी डे एट 10 AM शुरू करी है। तो उससे जैसे कि पता चलता है, जैसे आज का मैं आपको बताता हूँ कि नामसाई में एक पेशेंट था, अब उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता जा रहा था लेकिन बाकी चीज़ें स्टेबलाइज थी, तो वो जो डॉक्टर है नामसाई में उनको यानी कि ज़रूरत थी कि वो कि अब इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो जब मॉर्निंग में आज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हुई तो सीनियर डॉक्टर जब यहाँ बैठे हुए बातचीत की तो उन्होंने उसको गाइड करा कि अब इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो ये यानी जो टेलीकोमेडिसिन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, और इसके अलावा हमने क्या करा है कि पिछले एक साल में करीब करीब 90 बेसिक और एडवांस एम्बुलेंसेस पूरे राज्य में इंट्रोड्यूस की थी। तो उससे भी जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उनको यदि हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है तो वो भी हमको हेल्प मिल रही है, यानी हमारे स्ट्रेटजी का पार्ट है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया जाए। तो उसके चलते हुए जो 45+ कैटेगरी है उनको तो भारत सरकार वैक्सीन दे रही है, और जो 18 से 45 वाला एज ग्रुप है उसको राज्य सरकार फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को पेयर कर रही है। और उसमें जो 18 से 45 वाले में पहला लॉट हमें मिला था करीब करीब 20,000 वैक्सीन के डोजेस का, तो वो हमने मंडे से यानी कल से शुरू कर दिया सब जगह लगाना। और वैक्सीन जो 45 से ऊपर वाली कैटेगरी है उसमें सफिशेंट क्वांटिटी में भारत सरकार से डोजेस मिली हैं, और करीब करीब हमारे राज्य में आप मान के चल सकते हैं कि 280 सेंटर हैं यानी रिमोट एरियाज में मिलाकर जहां पर वैक्सीन दिया जा रहा है। और इसी के साथ राज्य सरकार ने यह भी एक डिसीजन लिया है कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी हम वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, और जैसा कि आरके मिशन हॉस्पिटल है तो आरके मिशन हॉस्पिटल भी जो 18 से 45 ग्रुप का है उनको वैक्सीन देगा, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो यानी आरके मिशन डेफिनेटली उठाएंगे, बट उसमें जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा तो वो भी करेगी। तो इस तरीके से हमारा ये मानना है कि आज की तारीख में यानी वी आर मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू कंटेन दिस COVID-19 पेंडेमिक इन द एंटायर स्टेट। ये भी एक एडमिटेड फैक्ट है कि स्पेशली रिमोट एरियाज में कम्युनिकेशन इज अ चैलेंज इन अरुणाचल प्रदेश। सो व्हाट वी आर डूइंग के लाइक जो लोकल PHC CHC हैं, बिकॉज वी हैव अ रीजनेबली गुड स्प्रेड ऑफ द PHC CHC, तो पीपल कैन कम देयर एंड मेक देयर ओन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन एंड देन वी विल अपलोड ऑन द सिस्टम, बिकॉज दिस एंटायर डेटा हैज़ टू गो
on the system, so that government, whether it is central government or the state government, knows how many people has been vaccinated or not, or a data can be maintained digitally. So this will be done by us. And now, like, we started from Monday only, and we got on a first lot of 20,000. We will definitely ensure that one is that we are distributing district wise, and then within the district, as I said, PHC, CSC will be allowed to do the registration offline. Okay. Arunachal, यानी कि हमारी एक ट्राइबल सोसाइटी है, और ये यानी कि यहाँ जो इनका वे ऑफ लाइफ था फॉर सेंचुरीज टुगेदर, कम्युनिटी बॉन्डिंग इन ए विलेज वॉज वेरी हाई. तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक रिलेशन रखता है. तो ये जब कभी पुराने ज़माने में भी जब मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं थी, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट से 100 years back, तो गाँव में क्वारंटाइन और आइसोलेशन की प्रथा उस ज़माने से थी. यदि कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अब उस टाइम हमको ये पता नहीं चलता था कि किस बीमारी से वो बीमार है, तो उसको आइसोलेट गांव वाले अपने हिसाब से ही कर लेते थे, और उसके लिए एक अलग से घर बना दिया उसको, यानी कि गांव वालों ने उसके लिए खाने का, पीने का, रहने का सब अरेंजमेंट किया. आइडिया ये होता था कि उसको आइसोलेट करा जाए, जिससे कि वो इन्फेक्शन जो उस व्यक्ति को है वो किसी दूसरे व्यक्ति को गाँव में नहीं हो. तो ये प्रथा तो यानी कि यहाँ पर टाइम ये मेमोरियल से चल रही थी. तो जब ये COVID-19 आया पिछले साल, तो हमने देखा कि गांव में ये गांव वालों ने खुद ही अपने आप को ऐसा किया. यदि मान लीजिए मैं कोई गांव का एक बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मैं दिल्ली या कहीं दूसरे शहर में पढ़ रहा था, तो बिकॉज जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ कंट्री में और मैं वापस आया, तो गाँव वालों ने मेरे को पहले आइसोलेट किया, मेरे को क्वारंटाइन किया. जब 10 दिन 15 दिन तक जब उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तभी उन्होंने उसको अपनी बस्ती में या गांव में आने को दिया. तो ये प्रथा तो बाय एंड लार्ज यानी आप देखेंगे पूरे अरुणाचल में थी और है, और COVID-19 में इस प्रथा ने काफ़ी हेल्प भी करा, क्योंकि जो हमारे अरुणाचल के स्टूडेंट्स थे वो करीब करीब 30-40,000 का नंबर था, एनीथिंग मोर देन 35,000 जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में पढ़ रहे थे. और जब पिछले साल आपने जब लॉकडाउन हुआ देश में और वो सब वापस आए, तो वो ट्रांसमिट ना करें इन केस दे आर कैरिंग द वायरस. तो ये जो आपने बताया कि विलेज लेवल पे जो आइसोलेशन की प्रथा थी उसने बड़ा हेल्प किया. और दूसरी बात ये है कि क्योंकि अरुणाचल आप जानते हैं कि ज्योग्राफिकली बहुत स्प्रेड है, परहैप्स वी मे बी द 10th लार्जेस्ट स्टेट ज्योग्राफिकली इन द एंटायर कंट्री, 83,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर है. तो छोटे छोटे गांव रिमोट एरियाज में हैं, और इन रिमोट एरियाज में करीब जो 5,000 हमारी बस्ती या गांव जिनको हम कहते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए सरकार को हो सकता है टाइम लगे. तो इसीलिए गांव के लेवल पर ही लोगों ने अपना एक मॉनिटरिंग कमेटी बना रखी है, जिसमें के गाँव के सभी लोग शामिल होते हैं, बड़े लोग, और उसमें जैसे गांव बूढ़ा का एक कॉन्सेप्ट अरुणाचल में वो सब भी आते हैं. तो वो सारे मिलके इस प्रॉब्लम को गांव के लेवल पर मैनेज करते हैं. और यही वो लोग हैं जो कि जैसे मान लीजिए सर्किल ऑफिसर है, ESC है, ADC है, DC है, या मेडिकल ऑफिसर है, उनसे इंटरेक्ट करते हैं एस एंड व्हेन दे नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम द मेडिकल रिलेटेड सर्विसेस. प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण कल्याण योजना जब आई थी, क्योंकि जब देश में पहली बार COVID-19 का यानी प्रकोप आया, तो उस टाइम अरुणाचल में जितने भी परिवार को जो ये फैसिलिटीज देनी थी, इंक्लूडिंग जैसे उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि हर परिवार को दाल भी देंगे, चावल भी देंगे और बाकी सब अदर चीज़ें देंगे, तो सब उपलब्ध कराई गई थी. तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रिक्स में, जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो फार फ्लंग एरियाज हैं, बट बाय एंड लार्ज ये चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है. और आपको जानकर शायद ये भी हर्ष होगा कि
जितना हम फूड आइटम मानसून सीजन के लिए टाइम पर स्टोर करते हैं पूरे अरुणाचल में, तो जो एक हमारा एक टारगेट फिगर है वो हमने अभी अचीव कर लिया है। तो उसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का यानी बहुत अच्छा सहयोग मिला और हमारे सारे डिप्टी कमिश्नर ने प्रोएक्टिवली काम किया और अब हमारे पास में यानी आप मान के चलिएगा कि जो 3 से लेकर 4 महीने तक का जो राशन का मटेरियल चाहिए होता है वो सारा हमारे कंट्रोल में है। और इसमें बल्कि कुछ लोकेशन हमारी ऐसी हैं 6 या 7 जहाँ पर कि रोड से कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ तो हमने इंडियन एयरफोर्स की मदद से भी उस स्टॉक को मेंटेन किया है। सी अरुणाचल में मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1.5 वर्ष से जब से मैं यहाँ पे हूँ कि आर्मी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप मान के चलिएगा कि एक ही कॉइन के दो पहलू हैं और यहाँ पे कोई भी इस तरह का यानी कोई यानी कि एलोफनेस नहीं है। और फॉर्चुनेटली ये जो रिलेशनशिप है ये ऑपरेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छा है। जो कमांडेंट है वो इज़ इन कॉन्स्टेंट टच विद द डिप्टी कमिश्नर इज़ इन कॉन्स्टेंट टच विद द लोकल कमांडेंट। सीनियर लेवल पर हम लोग इंक्लूडिंग अवर इंटरेक्शन विद द ईस्टर्न कमांड चीफ ऑल्सो जनरल एंड देन ऑल अवर बोथ 3 कोर एंड 4 कोर के जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो वी आर वर्किंग एज ए टीम। और उसमें यानी कुछ इलस्ट्रेशन के रूप में आपको बताएंगे कि जैसे व्हेन लार्ज नंबर ऑफ द बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज देयर लेबर एंड पीपल फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, तो उनका जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है तो वो भी हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विल बियर द कॉस्ट ऑफ ऑल द टेस्ट फैसिलिटीज़। Of course, we requested army and the other के they mobilize their own nurses and doctors, but जहाँ तक सवाल tool है, kits का है, cartridges का है, वो state government will provide at no cost to them. Then the medical facilities which is there in the state of the Indian Army, they very positively extend to the civil administration as and when it is required. Army has a 2 oxygen filling facilities in Arunachal Pradesh, so they are also allowing civil administration to use that facility for filling up oxygen cylinder. Similarly, we have a base hospital or a referral hospital in various part of Arunachal Pradesh, so that local DMOs of that area is in a constant touch with their counterpart and see ke whenever there is an emergency we may approach to them and they happily and readily, and I should bring it on the record that they extend all assistance to the local as well as to the civil administration in this regard. So that's and in fact they are organizing the medical health facilities camp in the especially in the remote areas. Mm-hmm. So which is very useful for people at large.